अस्सलाम वालेकुम लाइफस्टाइलर्स, जैसे कि आपसे मैंने कमिट किया था, आज की जो वीडियो है हाउ टू रिड्यूस क्रेविंग्स, यानी कि मीठे की और नमकीन की क्रेविंग्स को कम करने के लिए क्या इकदाम आप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, 9 पॉइंट्स दैट वी हैव टू कवर, और मुझे खुशी है कि आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि नॉलेज जितनी इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह उससे आपको उतना रिजल्ट मिलेगा। तो लेट्स जंप राइट इन, लेट्स स्टार्ट ऑफ इमीडिएटली। पहली चीज़ अगर आप देखें तो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे टेस्टलेस फूड, यानी कि बदज़ौक खाना। डाइटर्स टिपिकली क्या करते हैं कि उनको ये होता है कि बस खा लो, पतला ही होना है ना, तो खा लो जैसा भी खाना है, ऊपर से दो एक बुरकी ली, ऊपर से दो घूंट पानी की ले लो, गले से उतार लो खाने को, उस खाने को इंजॉय ना करो। तो क्रेविंग्स के बढ़ने की एक वजह यह है कि आपके खाने में जायका नहीं है, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे। जैसे मैंने कुछ तस्वीरों में देखा विद ड्यू रिस्पेक्ट कि उनके अंदर बिल्कुल लग रहा था कि कोई एनर्जी नहीं डली हुई, कोई एफर्ट ही नहीं लगाया गया कि उसके अंदर टेस्ट हो। तो टेस्ट बड्स को जब आप निगलेक्ट करेंगे तो आपकी मीठे की क्रेविंग्स बढ़ेंगी। तो खाने में टेस्ट डालिए। नंबर टू, नींद का पूरा ना होना। अगर आप कॉन्स्टेंटली 5-6 घंटे सो रहे हैं तो उससे भी आप नोट कीजिएगा कि आपकी मीठे की क्रेविंग्स बढ़ेंगी। तो स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म का एक बहुत बड़ा उसके अंदर इसके ऊपर डिपेंड भी कर रहा है, तो स्लीप मेक श्योर कि आप अपनी नींद का सिलसिला पूरा करें। और उसके तरीके का ये है कि जल्दी सोने की कोशिश करें, सोने से पहले टीवी और मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल कम करें, कोशिश करें कि सोने से पहले शावर लें और किताब पढ़ें, लाइट्स को थोड़ा सा डिम कर लें। ये कुछ तरीके जिनसे आप अपनी स्लीप को बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेस से भी क्रेविंग्स के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि स्ट्रेस से क्रेविंग्स बढ़ती हैं। उसके लिए तरीकेकार मैंने बताया है, FMP वॉक है, इसको आप यकीनी बनाएं, कोशिश करें कि हफ्ते में कम अज़ कम चार दिन, और इन्हीं गाइडलाइंस पे जो आपको बताई गई उसके ऊपर आप अमल करें, FMP वॉक करें। डीप ब्रीदिंग का अमल बहुत अच्छा है, बहुत मुफीद है इसके अंदर स्ट्रेस को कम करने के लिए। फिर जो वाइटमिन आपको दी गई हैं वो कोशिश करें इम्पोर्टेड वाइटमिन आप लें और उनको एज़ पर स्केड्यूल खाएं। पॉइंट नंबर 4 में PMS आ रहा है। PMS जो हफ्ते और ये आपकी जो जो आपकी साइकिल है उससे 7 दिन पहले का जो मामला शुरू हो जाता है PMS का, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का, तो उसके अंदर क्या तरीक़ेकार है, कोको 100% अनस्वीटन्ड कोको को एक ग्लास उबले हुए पानी के अंदर डाल के थोड़ा सा दार चीनी यानी कि सिनेमन ऐड करें और उसको सिप अवे करें जिस तरह, और थोड़ा सा एक टीस्पून कोको लेके और थोड़ा बहुत सिनेमन लेके अपने टेस्ट बड्स को देखते हुए, इसमें कोई क्वांटिटी का ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है। फिर उसके बाद आप डार्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 70% डार्क चॉकलेट लें, वो डार्क चॉकलेट लेंगे तो उससे भी आपको क्रेविंग्स कम होंगी। तो PMS के बाद आ रहा है, अब ये पॉइंट नंबर 5, 6 और 7 किससे रिलेट कर रहे हैं कि फूड क्वांटिटी, आपके जो मील प्लान्स के अंदर फूड क्वांटिटी है, अगर आप उस फूड क्वांटिटी को मीट नहीं करेंगे तो आपकी क्रेविंग्स बढ़ेंगी। आपकी मैंने कई उसमें प्लेटर्स में देखा कि प्रोटीन की क्वांटिटी कम है, कई हमें देखा और पूछा गया कि फैट्स डले में कि नहीं, फाइबर बिलखसूस ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट मैं इसके साथ लिंक करूँगा, 6 को 1 के साथ लिंक करूँगा कि यहाँ पर अमूमन जो सॉरी पॉइंट नंबर 7 को मैं इसके साथ लिंक करूँगा कि बहुत सारे लोग जो वेजिटेबल्स खा रहे हैं उसके अंदर बिल्कुल वैसी वो रॉ पड़ी हुई है, उनके अंदर कोई मज़ा ही नहीं है, बदज़ौक सी लग रही है। तो ये प्रोटीन फैट्स और फाइबर की क्वांटिटीज़ अगर पूरी नहीं होंगी तो आपकी क्रेविंग्स बढ़ेंगी। तो यू नीड टू गो बैक एंड चेक कि मैं फूड क्वांटिटीज़ अपनी पूरी कर रही हूँ कि नहीं। तो उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 8 पे आ रहा है कि आपकी डेली रूटीन के अंदर फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक एक्सरसाइज का ताल्लुक है वो तो आपको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा आपने वर्कआउट नहीं करना, तो वो चीज़ तो यहाँ पे कवर हो रही है। अगर आपकी डेली रूटीन के अंदर अनअवॉइडेबल फिजिकल एक्टिविटी है, मे बी योर वॉकिंग टू मच, मे बी योर टीचिंग को इस तरह का सिलसिला है, तो फिर दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस। इस केस में आपने अपनी कार्ब की इंटेक जो कि 5 टेबल स्पून है उसको थोड़ा सा बढ़ाना है, वो आप 8 या 10 पे भी जा सकते हैं, बट वो डिस्कस करने के बाद। सो मैं इस वक्त कोई जनरल रूल नहीं बना रहा, ये सिर्फ इस केस में कि अगर आपकी अनअवॉइडेबल एक्टिविटी है कि आप कोई ऐसी जॉब करते हैं या आप डॉक्टर हैं या आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, तो उस केस में इसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है कटिंग स्टार्च रैपिडली। आपने जब ये प्रोग्राम शुरू किया तो आपने एकदम 2-4 रोटियां खाते खाते आपने अगले दिन बिल्कुल 5 टेबल स्पून स्टार्च पे आ गए। ये भी एक वजह है कि जिससे आपकी बॉडी को एडजस्टमेंट का टाइम मिला ही नहीं और उसकी वजह से आपकी क्रेविंग्स बढ़ गई।
तो मैं अमूमन आपको ये बता रहा होता हूँ कि अपनी जो भी चीज़ है लाइफस्टाइल की, उसको ग्रेजुअली चेंज करें। एकदम करेंगे तो उससे बॉडी अडेप्ट नहीं करेगी और उससे वो बॉडी रिएक्ट करेगी। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर आप डेढ़ रोटी खा रहे थे, उसको आप कोशिश करें कि एक या पौने पे लेके आएँ, आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस करें ताकि आपकी बॉडी एडजस्ट करे। तो ये 9 पॉइंट्स हैं कि जिसको तफसीलन कवर किया गया है, और इसमें ये सारे ही पॉइंट्स वैलिड हैं, इसमें से कोई भी पॉइंट आप निकाल नहीं सकते। तो मेरी आपसे गुजारिश ये कि नॉलेज कुछ नहीं करेगी जब तक आप उसको अमल में नहीं लेके आएंगे। तो ये मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए हैं और इनका हल भी बता दिया है। इमीडिएटली इनको देखें कि आपके लाइफस्टाइल में कौन से पॉइंट्स मिसिंग हैं, और जो जो मिसिंग हैं उनको इमीडिएटली ठीक करें। तो जैसे ही आप करेंगे, आप देखेंगे कि आपका क्रेविंग का इशू इंशाल्लाह जल्दी चला जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा, आप FMP फोरम पे पोस्ट कीजिएगा कि आपके इस करने से आपको क्या बेनिफिट मिला है। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड। अल्लाह हाफिज़।